आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम साइलेंसर के बारे में समझेंगे। ये विजुअलाइज करेंगे कि सिलेंड्रिकल शेप मेटल में, या यूं कह लो कि साइलेंसर में ऐसा क्या जादू है कि अगर ये गन के ऊपर लगा हुआ हो तो फायरिंग की आवाज कुछ ऐसी आती है, और अगर ये गन के ऊपर ना लगा हुआ हो तो फायरिंग की आवाज कुछ ऐसी आती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करना और साइलेंसर के बारे में बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर आपको एग्जैक्टली यही ना पता हो कि जो बार बार मैं फायरिंग की आवाज बोल रहा हूँ, वो फायरिंग की आवाज क्या है, गन के किस पार्ट में से आती है और क्यों आती है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 19 जनवरी की रात को जब मुझे और मेरे साथियों को ये पता चला कि व्हाइट हाउस में होने वाली अगले ही दिन की जो बाइडन की ओथ टेकिंग सेरेमनी में जीमने का न्योता हमारे पास भी आया है, तो हम अपने एक दोस्त के ऊपर बैठकर निकल लिए वॉशिंगटन DC की ओर। हालांकि आधा घंटा लेट पहुंचे, लेकिन गले तक ठूसने में कोई कसर ना रह जाए इसलिए जल्दी से लैंड किया मोस्ट फेमस स्टॉल के पास। दाल चावल और मटर पनीर के साथ शुरुआत करने ही वाले थे कि इतनी देर में साइलेंसर से मुलाकात हो गई। वहाँ बातों ही बातों में साइलेंसर ने मुझे खुद के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुन के मेरे कान खड़े हो गए। उसने बताया कि अगर किसी को सिर्फ इतना समझ आ जाए कि इस गन से फायरिंग करने पे आवाज क्यों आती है, तो उसको बहुत आसानी से ये भी समझ आ जाएगा कि मैं यानी कि साइलेंसर काम कैसे करता है। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, जब भी हम फायरिंग करते हैं तो टोटल 3 टाइप की आवाजें आती हैं। सबसे पहली एक्शन नॉइज, फायरिंग करने से पहले जब कोई गन की कॉकिंग और लोडिंग करता है उस टाइम पे जो आवाज आती है वो हुई एक्शन नॉइज। दूसरी है सोनिक क्रैक, गन से निकलने के बाद बुलेट जब हवा में ट्रेवल कर रही होती है तब कुछ ऐसी आवाज आती है, इस आवाज को ही सोनिक क्रैक कहा जाता है। तीसरी और अपने काम की है एग्जिट प्रेशर नॉइज, जो कुछ ऐसी होती है, और यही वो आवाज है जिसे साइलेंसर कम करता है। आइए देखते हैं कैसे। जब आप ट्रिगर दबाते हो तो गन के अंदर काफी सारे एक्शंस होते हैं और लास्ट में इस कार्ट्रिज के अंदर मौजूद ये प्रोपेलेंट ब्लास्ट हो जाता है। एक छोटा सा साइड नोट, अगर आपको इन बीच के एक्शंस को समझना हो या ये जानना हो कि गन एग्जैक्टली काम कैसे करती है, तो इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड इस हाउ अ गन वर्क्स नामक वीडियो को देखिए। खैर, इस प्रोपेलेंट के ब्लास्ट होते ही यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर गैसेस पैदा हो जाती हैं, जो इस बुलेट को 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेलती हैं। उम्मीद है कि आप साफ साफ ये देख पा रहे हो कि ये गैसेस कैसे इस बुलेट को धकेलते हुए आगे ले जा रही हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है कि जब तक ये गैसेस इस बैरल के अंदर हैं, तब तक बहुत कम स्पेस होने की वजह से इन गैसेस का प्रेशर बहुत हाई है, और जैसे ही इस बैरल को छोड़ के ये गैसेस ओपन एनवायरमेंट में आ जाएंगी तो काफी ज्यादा स्पेस होने की वजह से इन गैसेस का प्रेशर कम हो जाएगा। अब जैसे किसी की हाइट नापने के लिए सेंटीमीटर, फीट या मीटर जैसी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही प्रेशर को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है PSI। तो जब तक ये गैसेस बैरल के अंदर थी तब तक इनका प्रेशर बहुत हाई था, यानी कि करीबन 3000 PSI, और जब ये गैसेस ओपन एटमोस्फियर में आ गई तो ऑब्वियसली इनका प्रेशर एटमोस्फियरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि करीबन 15 PSI। बस यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू। ये फिजिक्स का नियम है कि जब भी गैसेस का सडन एक्सपेंशन होगा तो डेफिनेटली पॉप या बैंग साउंड क्रिएट होगा, या यूं कह लो कि ये फिजिक्स का नियम है कि जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा से अचानक बहुत कम हो जाएगा तो डेफिनेटली पॉप या बैंग साउंड क्रिएट होगा। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक फूले हुए बलून में से हवा निकालने के दो तरीके हैं, या तो पिन चुभा के उसे फोड़ दिया जाए या फिर उसके इनलेट से धीरे धीरे हवा निकलने दी जाए। पिन चुभा के फोड़ने पे पॉप साउंड क्रिएट होगा क्योंकि हाई प्रेशर गैसेस अचानक से लो प्रेशर में आ रही हैं, लेकिन इनलेट से धीरे धीरे हवा निकालेंगे तो पॉप साउंड क्रिएट नहीं होगा क्योंकि गैसेस का सडन एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आपने गन के इस बैरल के आगे साइलेंसर लगाया और फायरिंग की, तो हुआ ये कि ये गैसेस जो बुलेट को धकेल रही थी वो बैरल से निकल के ओपन एटमोस्फियर में जाने की बजाय इस साइलेंसर के अंदर चली गई। साइलेंसर में ये बैफल्स लगे हुए होते हैं। बैफल्स इसलिए होते हैं ताकि ये गैसेस ज्यादा से ज्यादा देर के लिए साइलेंसर के अंदर रहें और फिर धीरे से बाहर निकलें। आइए देखते हैं कैसे। साइलेंसर का ये हिस्सा जिसमें गैसेस एकदम स्टार्टिंग में एंटर करती हैं, इसे एक्सपेंशन चैम्बर बोलते हैं। यहां आते ही गैसेस थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएंगी, धीरे धीरे इन बैफल्स में सैर करती रहेंगी और प्रेशर लूज करती रहेंगी, और लास्ट में साइलेंसर के इस आउटलेट से चुपचाप बाहर आ जाएंगी। याद रखने वाली बात यह है कि अगर ये साइलेंसर नहीं लगा हुआ है तो गैसेस का प्रेशर
अचानक से 3000 PSI से 15 PSI हो जाता है। और अगर ये साइलेंसर लगा हुआ है तो साइलेंसर के अंदर या यूं कह लो एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले गैसेस का प्रेशर होता है 60 PSI और साइलेंसर से बाहर आने के बाद प्रेशर होता है 15 PSI, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि साइलेंसर कैसे काम करता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो साइलेंसर गैसेस के सडन एक्सपेंशन को रोकता है, जिससे पॉप या बैंग साउंड क्रिएट नहीं होता। लगभग हम सबको इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ लोग इसको साइलेंसर बोलते हैं और कुछ लोग सप्रेसर बोलते हैं, पर इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है, ये समझने के लिए हमें 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये हैं सर हायरम स्टीवंस मैक्सिम और ये हैं इनके बेटे सर हायरम पर्सी मैक्सिम। बंदूक की टेक्नोलॉजी इन बाप बेटों के खून में दौड़ती है। सर हायरम स्टीवंस मैक्सिम वो ही हैं जिन्होंने फुली ऑटोमेटिक मशीन गन का आविष्कार किया था और इनके बेटे ने बड़े होकर सन 1902 में साइलेंसर का इन्वेंशन किया। एग्जैक्ट 7 साल बाद 1909 में इन्होंने साइलेंसर को कमर्शियली अवेलेबल करवा दिया और मैक्सिम साइलेंसर्स नाम से इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया। उस दिन से लेकर आज तक लीगली और ऑफिशियली इसे साइलेंसर ही कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इसे साइलेंसर कहना गलत है क्योंकि ये फायरिंग की आवाज को एकदम साइलेंट नहीं करता बल्कि काफी हद तक दबा देता है, यानी कि सप्रेस कर देता है। इसलिए टेक्निकली इसे सप्रेसर कहा जाता है और लीगली प्लस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसे साइलेंसर कहा जाता है। अब अगर कंप्लीट साइलेंस की बात छिड़ ही गई है तो बात थोड़ी आगे तक जानी चाहिए। इस वीडियो को बनाने से पहले आप में से 9450 लोगों ने मुझे बताया था कि कभी ना कभी जिंदगी में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, यानी कि P=nRT/V के बारे में सुना है। जिन्होंने आज तक नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर, T का मतलब है टेम्परेचर, V का मतलब है वॉल्यूम और इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर इन गैसेस के टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और इन्हीं गैसेस की वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम होता जाएगा, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि फायरिंग की आवाज कम होती जाएगी। वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। और जब हम इस साइलेंसर की वॉल्यूम को एक रेफ्रिजरेटर के बराबर कर देंगे तब जाके कहीं गन एकदम साइलेंट हो पाएगी। इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर हाउ अ गन वर्क्स नामक वीडियो में मैंने आपसे कहा था, मूवीज में आपने देखा होगा कि साइलेंसर की जगह विलेन कई बार पिलो यूज कर लेता है, पर सवाल ये है कि पिलो को यूज करने से क्या सच में फायरिंग की आवाज नहीं आती या फिर आपको बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको बनाया जा रहा है। चूंकि पिलो गैसेस को अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकता इसलिए वो साइलेंसर की जगह तो ले ही नहीं सकता। जैसे ये गन का साइलेंसर है वैसे ही गाड़ी के साइलेंसर में, जिसे लोग जनरली मफलर कहते हैं, और टैंक के इस बड़े से साइलेंसर में भी बैफल्स यूज होते हैं। इनका भी वर्किंग मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा गन साइलेंसर का है।